ये बुलबुल है। 2 साल की 15 मन बजनी इस गाय को उकाड़ा से कराची कुर्बानी के जानवर के तौर पर फरोख्त के लिए लाया गया है। शहर कायद को हैदराबाद से मिलाने वाली सुपर हाईवे के करीब हर साल लगने वाली मवेशी मंडी में कायम VIP ब्लॉक जहां तेजी से बदलती जिद्दतों और रिवायतों की तरह अपनी नौयत की मुनफरिद सरगर्मी के दौरान जानवरों की कैटवॉक करवाई गयी, जिसमे गाय, बकरों और बैलों ने खरामा खरामा चलकर अपनी खूबसूरती और भारी भरकम वजूद का एहसास दिलाया। कराची से लेकर खैबर तक जहाँ से अच्छी नस्ल का आला बच्चा मुझे मिलता है, मैं लेके आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से इनको पालता हूँ, 3-4 साल इनको पालना पड़ता है, फिर इनको तैयार करके यहाँ फरोख के लिए पेश करता हूँ। इस अछूती सरगर्मी में अपने अहले खाना के हमरा आने वाले लोगों ने गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए इसे खुशगवार एहसास करार दिया। कैटवॉक में बुलबुल के अलावा शाहीन, सितारा, महापारा, महारानी, जुगनू और गुलाब भी शायकीन और खरीदारों की तवज्जो का मरकज रहे, जबकि इनकी कीमतें 1 लाख से 20 लाख मुकर्रर की गई है। मैं भी खूबसूरती का शौकीन हूँ, कुर्बानी जो है हमेशा खूबसूरत जानवर की जानी चाहिए, तो हमेशा से मेरे यहीं से डील होती आई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बनी है। सर्द मौसम के बावजूद कुर्बानी के जानवरों को देखने के लिए लोगों की जोग दर जोग आमद का सिलसिला जारी रहा, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की भी थी। कैटवॉक की रिवायत में मॉडल्स के साथ अब ईद कुर्बान की जानवरों की शमूलियत को भी जरूरी समझा गया है, ताकि खरीदार को अपनी पसंद का जानवर खरीदने में आसानी हो। आफताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।